अच्छा मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से स्टिच करवाते हैं हम लोग। मुझे भी दिखाओ। हाँ मैं दिखाती हूँ। साड़ी और पूरी दिखा देती हूँ खोल के। ये देखो इस तरह से स्टिच की हुई है ना ये। चालू मिठू चुप रहो, मैं कुछ बोल रही हूँ ना। ये देखो स्टिच की हुई है ना ये। तो यहाँ से ये प्लीटें वगैरह मतलब डाली गई हैं, सारा पूरी फुली स्टिच है। तो आराम से आपको कुछ नहीं करना, बस लीजिए इसको और यूं लगा दीजिए और पल्लू वगैरह सब सेट करके वो किया गया होता है। और इसकी सिलाई के बारे में बताऊँ आपको कि कितनी सिलाई होती है इसकी। तो 1300 रुपये सिलाई होती है और 1300 रुपये में ना ये जो मेरी साड़ी है इसकी कीमत ही खाली 1300 रुपये है। और 1300 रुपये में फिर इसको हमने इस तरह से स्टिच करवाया था, क्योंकि ना देखो डाउट रहता है कि ये देखो पिनअप कर ली और ऐसे लग गई सीधे और पल्लू पीछे को डाल लो तो बन गई। तो हम लोग ना क्यों करते हैं ये सब, क्योंकि हमें मतलब अब इतना नहीं रहता ना कि भी सिक्योर तो कर ली। ऐसा नहीं है कि साड़ी पहनना नहीं आती, पहननी भी आ जाती है, पर फिर बाद में वो कहीं हौच पौच हो जाए, कोई चलती बारी मतलब ऐसे कुछ एक डाउट्स रह जाते हैं माइंड में। इस वजह से फिर मेरे पास जितनी भी साड़ी है ना सबके सब स्टिच की हुई है, ऐसे हम पहनते नहीं। और मैं ही नहीं, मोस्टली मैंने देखा है कि मैक्सिमम जो भी हिमाचल में पहनते हैं ना। अच्छा बच्चों क्या कर रहे हो बेटे? तो हिमाचल में ना मतलब जहाँ तक मैंने देखा है तो मैक्सिमम लेडीज़ जितनी भी पहनती है ना, क्योंकि कंफर्टेबल फील नहीं होता ना खुद से पहना हुआ तो। और बाहर मतलब जैसे जहाँ पे पहनते हैं, महाराष्ट्र हो गया, यूपी बिहार और जहाँ भी बाहर पहनते हैं, तो वहाँ पे ये रहता है कि उनको आदत होती है, वो फटाफट से लगाते हैं और चलने फिरने का। जैसे हम सूट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं तो सूट्स में जहाँ मर्जी, वैसे सूट्स तो होते ही कम्फर्टेबल है ना, उसमें क्या है सीधा लिया और पहनिए। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो चलिए जी, मैंने अपनी साड़ी अभी ये बिखेर दी है, इसको मैं फिर से पैर ही लगा देती हूँ। क्योंकि स्टिच साड़ी है ना तो इसको फिर इस तरह से रखने में, बाइंड अप करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। क्या हुआ ये? पानी गया थे तीन जब ये रही पाइप जुटने जो। आज नंदू ने ना थोड़ा सा जूठा छोड़ दिया है और कौए उस पर हाथ मार रहे हैं। अब बेचारे ये भी कहाँ जाएंगे, अब इनको तो जो दिखेगा वो खाएंगे ही ना। मेरा बेलन तो मैंने धो के रख दिया। धुला हुआ बेलन है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी मेरे पास है बेलन, आपके पास तो शानू के पास। सबके पास अलग अलग बेलन हो गए भाई। सुन लो ना, आपको भी मैं बताती हूँ कि हमारे पास ना सबके पास, मेरे पास, मृदुल के पास, शानवी के पास अलग अलग बेलन हो गए हैं। ये रहा मृदुल का बेलन। और मृदुल को ना अपने बेलन की साफ़ सफाई कराने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। कि सबसे अच्छी बात ये है कि मृदुल जब भी यूज़ करता है ना इसको तो मम्मा से धुलवा देता है। हाँ तो अभी अभी ना मृदुल सो के उठ गया है। हाँ जी हाँ जी, पहले ये वाला बेलन तो मिली लादा, तो अब तो मिल गया ना। हाँ, ये मेरा हो गया। अब ये इसका हो गया, इसकी शानवी का ना, पहले शानवी का बेलन नहीं मिल रहा था वो मिल गया, तो अब ये इसका हो गया।
और अभी मृदुल सो करके उठ के आया है, शान भी अभी सो रही है। और कुछ नहीं, कुछ तो बोल लो थोड़ा बहुत। मम्मा हाँ जी, बात खराब हो गई है, इसकी आवाज खराब हो गई, तो ये तो सो के उठ के आया तब वही आवाज खराब। दूध पी लिया? इसका एक ही काम होता है, सो के जब भी उठता है, सोने जब भी जाता है, तो क्या करता है, क्या करता है? मैं खेलता भी हूँ तानू के साथ। तानू के साथ तो खेलते, तानू बोलते हैं कि दीदी बोलते हैं? कभी वो बनती है घोड़ा, कभी मैं बनता हूँ घोड़ा। कभी वो बनती है घोड़ा, कभी ये बन जाता है घोड़ा। अच्छा अभी देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि वो हिल रही है कहीं, है ना? और उठते ही देखना कैसे चू चाट करेगी। चलो चलो चलते हैं, देखते हैं, देख के आते हैं। ये देख लो सानू का बेलन। अरे ये देख लो सानू का बेलन, ये रहा सानू का बेलन, ये आ गई उठ के, जैसे इसको ना हमारी आवाज सुनाई दी। ये देखो कैसे चू चाट कर रही है। अभी नहीं, ये बहुत छोटी सी बच्ची है, अभी दूध पी के आई है, दूध पीने वाली बच्ची है, मम्मा की गोदी में। अगर मम्मा ना मिले इसको, ये सोई हुई हो, तो ये बहुत रोने लग जाती है। ये देखो है मिठू, मिठू तो नहीं रोया था। देख मिठू बोल इसको, चुप होने को, चुप हो जा, चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा लल्ला, चुप हो जा, चुप हो जा लल्ला, आगे चुप हो जा। क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या बता ना, हुआ क्या बेटा? ये उठ गया था ना, इसको उठते ही पीना था दूध, इसलिए फिर मैं आ गई थी दूध देने इसको। ये उठ गया था ना, उठते इसको दूध पीना था, तो आ गई थी मैं। भाई ना जब भी शान भी सोती है, अगर मैं वहां पे नहीं पाई गई ना, तो तब तो ये देखो ये हालत हो जाती है इसकी। अभी ये बहुत छोटी है, अभी है 0 साल की है, 0 साल की है ये, तब होता है इसके साथ ऐसा है, ऐसा है सानू। क्या खाएगी फिर 0 साल की बच्ची? 0 साल के बच्चे तो दूध पीते हैं, पिए दूध है, निप्पल में पीते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी बहुत। हाँ जी, सानू पैदा हुई थी ना, ये निप्पल में पीती थी दूध। ये इसने कभी नहीं पिया है निप्पल में दूध? नहीं। हाँ जी, तब ये छोटी थी तब भी नहीं पीती थी, मेरी दूली पीता है हमारा निप्पल में दूध। मैं छोटी हो के खरा मैंने देखा, किस किस की शादी हुआ था? अभी राम की हुई थी। और किसकी हुई थी? अरे बाजी वाला, राम की शादी देखी हमने, राम की शादी हुई। और एक किसकी है? नहीं, एक है मेरी और एक पापा की, पापा को दिखाती हूं। हां, राम का हुआ और किसका हुआ? कुछ इकाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तूने देखा नहीं है इसको? पता है सानू को किस किस का था? देखा मैंने। ये तो बार बार पूछती रहती कि सीता की शादी कब होगी दादा, सीता की शादी कब होगी। जब देखा इसने तब तो फिर उठी नहीं तब तक है। क्या क्या देखा शादी में तूने? शादी में क्या देखा तूने? हमें सब पता है, आप भी तो देखते हो। बस सुबह शाम डैड ने महाभारत लगा दी है, फिर महाभारत लगा के फिर भाई रिमाइंड लगा है, टीवी में अपनी न्यूज़ भी नहीं देखने देते हैं। एम टू हाँ, दादा क्या देखते टीवी में? जा किधर, जल्दी है जरा। क्या दादा आज टीवी में क्या देखते हैं? दादा क्या बच्चे भी आजकल टीवी में सर क्यों देखते हैं? क्या देखते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि आपने कैसे कंट्रीब्यूट करना है पीएम केयर में। तो यार मैं तो बोलता हूँ हर एक बंदा, चाहे यार 10 रुपए क्यों ना करे, चाहे 1 रुपया कर दो, पर करो जरूर यार, बंदा ने दो बार कर लिया। 10 रुपए भी ना किसी के लिए हजारों लाखों बहुत कुछ हो सकता है। और यही टाइम है, जैसे कि सारा देश इकट्ठा होकर के यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, तो अगर भूले भटके जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और नहीं किया हो, तो थोड़ा बहुत ज़रूर कीजिएगा यार, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ना कुछ करना चाहिए। लाइक भाई, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत तो आपने भी सुनी ही होगी। तो मुझे गर्व है पतिदेव पे कि मैं पहले शर्मा रही थी ना कि इतना सा ये चीज़ क्या शेयर करनी, बहुतों ने अभी तक वीडियोस बना दिए होंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि क्या पता हो कोई भूला भटका नहीं जानता हो, लेकिन उसके दिल में हो कि नहीं उसने दान करना है और किसी के लिए कुछ करना है, तो उनके लिए उन्होंने वीडियो बनाया है और अपने चैनल पे फिर अपलोड भी किया है। मतलब उसमें उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आप भी ज़रूर देखिएगा एक बार उनका ये वीडियो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।
ये अभी बंदरों ने ना काफी उत्पाद मचा के रखा हुआ है। इसके बाद मेरा था मंडे का फास्ट, तो फिर मैं अभी बना रही हूँ प्रसाद, और प्रसाद में बना रही हूँ क्षार। एक्चुअली बचपन में ना जब हम व्रत करते थे मंडे का, तो मम्मी बनाते थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत खाते थे हम मांग मांग के। तो कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखिए देसी घी मैंने यहाँ पे लिया है, और आपको कुछ नहीं करना, गेहूँ का आटा मैंने 3 मुट्ठी लिया है, मतलब जितना आपको लेना है बनाना है उस हिसाब से आप ले सकते हो। और अब धीमी आंच पे इस गेहूं के आटे को हम भूनेंगे इस देसी घी में। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। इसके बाद फिर देखिए, अभी आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल ब्राउन कलर का हो चुका है। धीमी आंच पे मैंने इसे काफ़ी देर तक इस तरह से भूना, जैसे हम सूजी को भूनते हैं, सेम वैसे ही। और अब इसमें मैंने डाल दी है चीनी। तो चीनी के बाद हमें पानी या कुछ भी अब नहीं डालना है, बस ये रेडी हो चुका है। आप निकाल लीजिए इसे, और चाहे इसे प्रसाद के रूप में खाइए, या फिर अगर कभी आपका मन करे ना तब भी आप खा सकते हो। हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे धांगी दारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, इसके बाद चल पड़ी है डिनर की तैयारी। तो ये व्रत के लिए मैं बना रही हूँ आलू, और आलू मुझे ना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देसी घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया, और जीरा डाल दिया है, साथ ही डालूंगी नमक। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे जितना सिंपल बने ना आलू उतने अच्छे लगते हैं। तो बस ये डाल दिए, फिर मैंने आलू बॉईल किए हुए थे, और बस थोड़ी सी देर इनको इस घी में मैं अच्छी तरह से पका लूँगी, और बस मेरा खाना रेडी है। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, और साबूदाना नहीं था, वैसे तो खुली होती है दुकानें 10 से 2 बजे के बीच तक, लेकिन फिर मैंने भी नहीं बोला इनको कि आप लेके आइए, क्योंकि यार जितना हो सके पॉसिबल हो उतना घर के अंदर ही रहना चाहिए। और इन्होंने बनाया था ये सेपू बढ़िया, दिन के राजमा चावल भी बचे थे, तो आज मैंने ना कढ़ाई रख दी है डाइनिंग टेबल पे। याद नहीं रही, उसमें कंकर डालते हैं, वो थर्स्टी क्रो, फिर वो कंकरों की वजह से फिर पानी ऊपर आ जाता है, और वो पीता है, उसकी प्यास बुझ जाती है। हाँ, तो पी सकता है, पानी भी पी सकता है अपनी चोंच से। कैसे पी सकता है? अब वो तो उसको ही बताओ, मैं बताया ऐसे चोंच डालता है ऐसे, जैसे इसी के साथ ही आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे कर रही हूँ। और ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।